दोस्तों हमारे चैनल घरेलू नुस्खे को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों करेला का सेवन करना आपकी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। यह खाने में कड़वा जरूर होता है लेकिन कई बीमारियों को दूर रखने में भी ये सहायक होता है। करेला डायबिटीज मरीजों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो सकता है। इससे आपके शरीर में इंसुलिन का स्तर नियंत्रित रहता है। करेला पेट से जुड़ी समस्याओं, लीवर और अस्थमा के मरीजों के लिए भी काफ़ी लाभकारी साबित हो सकता है। अगर आपको सुबह उठकर कब्ज, अपच और एसिडिटी की दिक्कत होती है तो आपको करेला का चोखा या सब्जी का सेवन जरूर करना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि करेला खाने के बाद आपको कुछ खास चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना ये आपके लिए स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। आइए जानते हैं करेला खाने के बाद क्या क्या नहीं खाना चाहिए। दूध, करेला का सेवन करने के बाद आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपको पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। करेला खाने के बाद दूध पीने से पेट में कब्ज, दर्द और जलन की दिक्कत हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको पहले से पेट से संबंधित परेशानियां हैं तो ये आपके लिए और ख़तरनाक साबित हो सकता है। मूली, करेले की सब्जी या चोखा खाने के बाद आपको मूली या मूली से बनी चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इससे भी आपको तमाम तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं। दरअसल मूली और करेले की तासीर अलग अलग होती हैं, जिसकी वजह से ये पेट में जाकर रिएक्शन कर सकते हैं। इससे एसिडिटी और गले में कफ की शिकायत हो सकती है। खासकर अगर आपको पहले से सर्दी जुकाम की दिक्कत है तो आपको करेले के बाद मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। आम, करेले का स्वाद कड़वा होता है और आम खाने में मीठा होता है। करेला खाने के बाद आम खाने से आपके मुंह का टेस्ट खराब होता है। इनका सेवन साथ में या अलग अलग करने से भी आपकी सेहत खराब हो सकती है। इससे आपको उल्टी, जलन, मतली और एसिडिटी की परेशानी हो सकती है। दरअसल इन दोनों चीज़ों को पचाने में समय लग सकता है। दही, कई लोगों को खाने के साथ दही या छाछ पीने की आदत होती है। दोस्तों लेकिन अगर आप करेले की सब्जी या अन्य किसी व्यंजन का सेवन कर रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसमें पाए जाने वाला लैक्टिक एसिड करेले में पाए जाने वाला पोषक तत्व से क्रिया करके स्किन रेसेज और खुजली का कारण बन सकता है। इसलिए करेला खाने के बाद दही का सेवन बिल्कुल न करें। भिंडी, करेला खाने के बाद भिंडी जैसी सब्जियों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इससे भी आपकी सेहत को नुकसान हो सकते हैं। भिंडी खाने से आपके शरीर को करेले के साथ भिंडी को पचाने में परेशानी आ सकती है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।